हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल होली स्पेशल सारी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पर अब इस तरह की जो होली वाली सारी स्टेटस वीडियो है अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। गाइस, आप इस बंदे के पेज को देख सकते हैं, इसके अभी 1,04,000 फॉलोअर हो चुके हैं और इनके वीडियो में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा वीडियो में व्यू और लाइक जा रहे हैं। गाइस, आप इस वीडियो में देख सकते हैं 1.2 M इस वीडियो में व्यू जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी वीडियो है जो वायरल हो सकती है। गाइस, आप इस वीडियो में देख सकते हैं 11.6 M इस वीडियो में व्यू जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन वीडियो में कितने ज़्यादा व्यू और लाइक जा रहे हैं। तो गाइस, आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। इस आपको लाइट मोशन प्रो ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लाइट मोशन प्रो ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइस, आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोजेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इस वाली XML फाइल को सेट करना है। इस वाली XML फाइल की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाली XML फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद इस वाली XML फाइल को लाइट मोशन ऐप में ऐड करना है, तो जो आपकी XML फाइल है कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें एक वाल पेपर को सिलेक्ट करना है, प्लस वाला ऑप्शन में टैप करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। तो यहाँ से हम एक वाल पेपर को सिलेक्ट करेंगे। इस वाल पेपर की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको वाल पेपर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको वाल पेपर को खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। अब आपको वाल पेपर की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन में टैप करना है। टैप करते ही जो वाल पेपर की लेयर है वो XML फाइल की लेयर के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको वाल पेपर की लेयर को XML फाइल वाली लेयर के नीचे लाना है। इस तरह से आपको इसको होल्ड करना है और नीचे में ला देना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन में टैप करना है, इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। इस तरह से हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। आपको रेक्टेंगल को इस तरह से सेट करके यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से आपको इसको सेट करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर एंड फिल वाला, इस पर क्लिक करना है। वाइट वाले कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करना है। इस तरह से हम इसको 60 तक इसको कर देंगे। अब यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा बॉर्डर एंड शैडो, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्टोक को ऑन करना है। इस तरह से गाइस, आपको इसको 8 पर सेट करना है। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको रेक्टेंगल वाई लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन में टैप करना है। टैप करते ही जो रेक्टेंगल की लेयर है वो एक्चुअल फाइल की लेयर के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब गाइस, आपको रेक्टेंगल 1 पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है। यहाँ से आपको डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस लेयर की जो डुप्लीकेट लेयर है वो बन जाएगी। अब गाइस, आपको इस वाली लेयर को नीचे साइड में ला देना है। इस तरह से आपको इसको सेट करना है और नीचे साइड में ला देना है। इस तरह से हम लेयर को सेट कर देंगे। अब गाइस, आपको इसमें सारी को लिखना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको सारी को लिखना है। तो गाइस, मैंने सारी को पहले से ही कॉपी किया है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम सारी को पेस्ट करेंगे और सारी की लाइन को इस तरह से हम काट देंगे, यहाँ से इस तरह से। अब आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है कलर वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ब्लैक वाले कलर को सिलेक्ट करना है। रोबोटो रेगुलर पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसमें जो भी फॉन्ट लगाना चाहते हैं आप इसमें लगा सकते हैं। तो गाइस, हम इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, सारी को इस तरह से सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। आप यहाँ से छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से सारी को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेट करके यहाँ पर लगा देंगे। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको सारी क्लियर के एंड में देना है, इस वाले ऑप्शन में टैप करना है। टैप करते ही जो सारी की लेयर है वो सभी लेयर के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट वाली सारी की लाइन है वो इस तरह से सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम सेकंड वाली सारी की लाइन को लिखेंगे, प्लस वाले ऑप्शन में टैप करना है, टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है।
तो यहाँ पर हम सारी की सेकंड वाली लाइन को लिखेंगे। इस तरह से हम सारी की सेकंड वाली लाइन को पेस्ट करेंगे और इसको भी आपको इस तरह सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देना है। इसमें भी गाइस हम ब्लैक वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसी वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो साड़ी है कुछ इस तरह सेट हो चुकी है। अब आपको साड़ी की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही सभी लेयर के बराबर जो साड़ी की लेयर है वो हो जाएगी। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो बीडो है अभी कुछ इस तरह सेट हो चुकी है। अब इस समय आपको एक साउंड वाली बीडो को सिलेक्ट करना है, प्लस वाला ऑप्शन टैप करना है, मीडिया पर जाना है, आड़ पर जाना है। तो यहाँ से हम एक साउंड वाली बीडो को सिलेक्ट करेंगे। इस साउंड बीडो की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साउंड वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा थ्री डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एस्ट्रक आईडी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो को जो साउंड है हमारे वीडियो लग जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो साउंड वाली लेयर है वो आ चुकी है। अब आपको इस वाली वीडियो को डिलीट करना है, वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड वाली वीडियो है जो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में जो साउंड है वो लग चुका है। स्मेल फाइल वाली जो लेयर है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको ये वाला जो इफेक्ट मिल रहा है इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला जो इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको वॉलपेपर वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था। पेस्ट करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला जो इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। ऐसा अगर आप चाहें तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी को इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी को नहीं लगाएंगे। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो है जो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग होली स्पेशल सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।